नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 6 अक्टूबर के सुबह 9 बजे से दोस्तों यशमी ग्रहों की बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रही हैं। दोस्तों योग के हैं तो यशमी आपका जीवन बदलने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों का यह भूचाल आपके जीवन काल में कई ऐसे आपको लाभ का स्थितियाँ देने वाले हैं जिनसे आप खुशी से तो झूम उठेंगे। शादी साथ दोस्तों आपका आने वाला समय भी बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि ग्रहों की इसमें बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। शादी दोस्तों इसमें जो बुधवार का दिन होगा, यानी कि भगवान श्री गणेश जी का जो दिन होगा, आप सभी के लिए रिद्धि सिद्धि लेकर आने वाले हैं। आखिरी दिन आप सभी के लिए इतना बड़ा भाग्यशाली साबित होगा जैसे कि आपका शुरुआत नहीं हुआ था। जी दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके साथ जो घटनाएं होने वाली है इनके साथ अगर आप एक सावधानी को रखेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएंगे। जी दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी लिखेगा, गुरु जी का और भगवान श्री गणेश जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी। यश में आप अपने रुके हुए काम को सफलतापूर्वक पूरी करने में भी संपन्न रहेंगे। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि यश में अपने कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अपने काम की बेहतरी के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लाने पर आपको इसमें विचार करना और इनमें कामयाबी हासिल करना आपके लिए निश्चित होगा। इसको बना दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में काफ़ी सूझबूझ और सोच विचार करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी प्रकार का धोखा यश में आपके साथ हो सकता है। दोस्तों किसी नज़दीकी व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर बहस हो सकता है या फिर बहस छिड़ सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाए ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काफ़ी दिनों से जिस काम के बारे में आप प्रयत्न कर रहे थे दोस्तों उसी संबंधित कोई अच्छी खबर यश में आपको मिल सकती है। दोस्तों यश में आर्थिक बातों में स्थिरता महसूस होगी, फिर भी पैसे संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपको यश में कोशिश जारी रखना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अगर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में कुछ दिनों के लिए इन्हें स्थगित रखना चाहिए। दोस्तों परिवार में कुछ समय से चल रही अस्वस्थता को दूर करने के लिए ये जो समय है कुछ महत्वपूर्ण समय होगा। यश में आपको इनमें महत्वपूर्ण नियम बनाना चाहिए और दोस्तों इनमें आप कामयाबी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर के सभी सदस्यों के साथ किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि बैंक या फिर निवेश संबंधी कार्य करते समय सावधान रहें, कोई गलती हो सकती है। भावुकता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और दोस्तों इसी का कोई जो है अनुचित फायदा भी उठा सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी के साथ भी फालतू वाद विवाद में ना पड़े ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपकी परिस्थिति संबंधित पूरी जागरूकता आपको है और दोस्तों परिस्थिति में बाहर कैसे निकला जाए इस बात का भी यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपकी परिस्थिति संबंधित पूरी जागरूकता आपको है और परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना है यह भी आपको पता है। आप केवल मेहनत लेने से और तकलीफों का सामना करने से डर रही हैं, इसलिए दोस्तों परिस्थिति में बदलाव नहीं नजर आएगा। इसलिए दोस्तों यश में आपको इनसे सतर्क रहना चाहिए, इनसे कैसे निकला जाए इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आप होंगे, आपको बता दें कि आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम देंगे, अपनी छुपी प्रतिभाओं को भी समझेंगे और उनको सही दिशा में भी यश में लगा पाएंगे। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए प्रत्याशित लाभ की स्थिति बना रही है।
इसको प्रणाम दी दोस्तों, इसमें आपके लिए सुनेंगे। आपको बता दें कि यश में दोपहर के बाद कोई अप्रिय सूचना भी आपको मिल सकता है, जिससे थोड़ा सा आपको मन भी व्यथित रहेगा। दोस्तों यश में आप जो है किसी रिस्क की प्रवृत्ति से दूर रहें, जिनसे बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से भी कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, परंतु दोस्तों आपसी मिलजुल से खुशी यश में आपको अवश्य मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अधिकतर काम तेजी से प्रगति की ओर भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको समाधान भी प्राप्त होगा और नए काम की शुरुआत करने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास भी आपके साथ बढ़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार संबंधी कोई भी बड़ी समस्या का समाधान भी इसमें आपको प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत होगा। आप जो यश में कड़ी मेहनत और परिश्रम की वजह से सब कुछ हासिल भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से यश में आपकी सभी तमन्नाएं और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यश में दोस्तों बुजुर्गों के स्नेह और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और इनसे आपके मनोबल भी बढ़ने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आर्थिक कशमकश भी रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी यश में सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको कुछ कम लग सकता है, इसका एहसास हो सकता है। दोस्तों कुछ देर आपको इसमें मेडिटेशन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, यश में आप अपने नकारात्मक शक्ति को दूर करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि भावनाओं तथा क्रोध पर इसमें आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्तिगत बातों के बारे में खुलकर चर्चा करने की वजह से आपकी प्रस्तुति का फायदा कोई उठा रहा है, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि आपके मित्र परिवार और आसपास के व्यक्तियों को परखने की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा ही आपकी निजी भविष्य में बड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है। तो दोस्तों इन सभी सिचुएशन में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशों में कामकाज को यशों में गंभीरता व फिर संजीदगी से लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। परंतु दोस्तों इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके कोई बिजनेस के सीक्रेट लीक तो नहीं कर रहा, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पैसा लोगों को भी मनोवांछित उपलब्धियां मिलने की आशार बन रही है, कोई प्रमोशन की संभावना बन रही है, इसलिए दोस्तों इसमें आपके मन में भी हर्षोल्लास का समय रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे तथा आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी यश में बखूबी तरीके से कर पाएंगे। परंतु दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाना आपके लिए आवश्यक होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अतिरिक्त आय के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास ना करें, ये आपके महानी का कारण बनेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यशमय कार्य क्षेत्र में आपकी काबिलियत व फिर योग्यता पर बल देना महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करेगा। दोस्तों किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले आपको उस पर सोच विचार करना चाहिए और उनको योजनाओं में परिणित करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई प्राइवेट चीज़ लिखना हो जाए। और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरी में लक्ष्यों को प्राप्त करने का आपके ऊपर दबदबा भी बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इसमें घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में आपका समय यश में व्यतीत होने वाले हैं, जिनसे सभी को प्रसन्नता भरा वातावरण में रहने का मौका मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी में आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा, प्रेम संबंधों में और अधिक गंभीरता इसमें आने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज में चल रही किसी शिथिलता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी ना पड़ने दें, घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखने में आपको सहयोग करना अवश्य होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण इसमें उत्तम बना रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंधों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों ऐसे संबंधों से दूर रहकर ही आपको अपने गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों सर्दी से अपना बचाव अवश्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। ये जो समय है आपके लिए नज़ला, जुकाम और फिर बुखार की दिक्कत आपको रह सकती है, तो दोस्तों इनसे आपको अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों इसमें वजन या फिर नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। वर्तमान वातावरण की वजह से दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखना आपके लिए इसमें अति आवश्यक होगा, तो दोस्तों इन पर आप जरूर ध्यान दें।
और इसके उपरांत उस में आपके स्वास्थ्य के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। योगा और व्यायाम पर इनका उचित इलाज होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में अत्यधिक मेहनत व फिर परिश्रम की वजह से थकान व फिर बदन दर्द की स्थिति भी रहेगी। समय दोस्तों समय समय पर आपको यश में आराम करना यश में आपके लिए उचित होगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों यश में आपको उचित आहार भी लेना चाहिए। ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन सभी को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए।